तो जीएसटी को लागू कर एक साल पूरा होने पर जहां सरकार जीएसटी दिवस मना रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कहीं ऐसे छोटे बड़े व्यापारी हैं जिनका कारोबार जीएसटी के चलते बंद हो गया है। ऐसे ही हैं धारावी में मौजूद व्यवसायों पर जो एक साल भी जीएसटी का असर पड़ता दिख रहा है। यहां के लोग अब भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि उनका व्यवसाय फिर से संभल पाए। मुंबई का धारावी इलाका देश विदेश में अपने चमड़े के उत्पादनों के लिए काफी मशहूर है, लेकिन ठीक एक साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से यहाँ के कारोबारी परेशान हैं। धारावी में चमड़ा कारोबार से जुड़ी 250 दुकानें हैं और करीब 1,00,000 लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका आरोप है कि चमड़ा उत्पादनों पर लग रहे 18% जीएसटी से काम पर उल्टा असर पड़ रहा है। नॉर्मली लेदर चीज, लेदर का जो बेल्ट लेवे, कुछ भी लेवे, तो वो कम से कम 500 रुपया तक है। 500 × 18% तो कोई बेयर नहीं कर सकता। एंड अप का जो कस्टमर खरीदी करते वो लोग तो बंद हो गए, बोलते इतना महंगा हम लोग कैसा ले लेंगे। जो बिजनेस हम लोग का था तो उसका कम से कम अभी 10% भी बिजनेस नहीं बचा, टोटली लेदर इंडस्ट्री कोलैप हो गया। केवल चमड़ा उद्योग ही नहीं, धारावी में कपड़ा कारोबार से जुड़े लोग भी जीएसटी से परेशान नजर आए। लोगों का दावा है कि कपड़ों पर लग रहे 5% जीएसटी का असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। यहाँ लोग त्यौहार में, फेस्टिवल में कुछ अगर दो कपड़े ले रहे हैं लोग, कुछ कोई तो ले नहीं रहे, बच्चों के लिए मोस्टली कर रहे हैं या अपने लिए एक जोड़े दो जोड़े कर ले रहे हैं। नहीं, इससे पहले लोग 4-4, 5-5 जोड़े कपड़े लेते थे, अब एक जोड़े दो जोड़े कपड़े ले रहे हैं। क्यों? जीएसटी की वजह से बिजनेस इतना फर्क पड़ा है, धंधे है ही नहीं। धारावी में नमकीन बनाने के उद्योग से भी काफी लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि छोटे उद्योगों से जुड़े लोग जीएसटी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की जटिलता आड़े आती है। मेरा रेशन कार्ड गाँव में, मैं इधर तो भाई ऐसे मेरा इधर का महाराष्ट्र के अंदर मेरा कुछ प्रूफ नहीं है। सिर्फ अभी जो आधार कार्ड बनाया हूँ, अभी आधार कार्ड है, गांव का रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, अभी का बैंक में जाके और भी तो केवाईसी मांग रहे ज्यादा। धारावी के लोगों से बात कर हमें ये समझ आया कि जीएसटी का सबसे ज्यादा असर छोटे व्यवसाय और दुकानदारों पर पड़ा है, और उनकी शिकायत है कि दफ्तर में बैठ नियम बनाने वालों को जमीनी हकीकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल एक साल बाद भी लोग सरकार से राहत की उम्मीद बनाए बैठे हैं ताकि उनके व्यवसाय एक बार फिर से संभल सके। मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।